इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ALDEPH टैबलेट को भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जाता है। हालांकि ब्लड में दवा के समान लेवल को बनाए रखने के लिए इसे हर दिन एक निश्चित समय पर लेने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस दवा की एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो जैसे ही आपको याद आए इसे लें। कभी भी कोई खुराक न छोड़ें और बेहतर महसूस होने पर भी उपचार का पूरा कोर्स समाप्त करें। यह महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर से बात किए बिना यह दवा अचानक बंद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे आपके लक्षण और भी खराब हो सकते हैं। इस दवा को लंबे समय तक लेने से रक्त और लिवर के कार्यों की नियमित निगरानी की आवश्यकता हो सकती है। इस दवा के कुछ सामान्य दुष्प्रभावों में कब्ज, पेशाब करने में कठिनाई, वजन बढ़ना, भ्रम, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, खड़े होने पर रक्तचाप का अचानक कम होना शामिल हैं। यह दवा वजन घटाने का कारण बन सकती है। वजन कम होने की स्थिति में आहार पूरक के लिए आहार विशेषज्ञ से सलाह लें या अपने भोजन के हिस्से को बढ़ाने की कोशिश करें। अधिकांश आम दुष्प्रभाव हल्के होते हैं। यदि वे आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं तो आपका डॉक्टर साइड इफेक्ट्स को रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है। गंभीर दुष्प्रभाव दुर्लभ हैं। अपने चिकित्सक को सूचित करना याद रखें यदि आप मूड में कोई असामान्य परिवर्तन विकसित करते हैं, क्योंकि इससे आत्मघाती विचार हो सकते हैं। यदि आप लीवर की बीमारी से पीड़ित हैं तो दवा लेते समय सावधानी बरतें। आपके डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। ALDEPH टैबलेट के लाभ। डिप्रेशन का इलाज। ALDEPH टैबलेट मस्तिष्क में कुछ रसायनों जैसे सेरोटोनिन के संतुलन को प्रभावित करके काम करता है। यह मूड और भलाई की भावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है, चिंता और तनाव को दूर करता है, आपको बेहतर नींद में मदद करता है और आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। यह एक प्रभावी एंटीडिप्रेसेंट है, लेकिन उनींदापन का कारण बन सकता है। आपको इसे नियमित रूप से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके सबसे प्रभावी होने के लिए इसे निर्धारित किया गया है और इसे अचानक लेना बंद नहीं करना चाहिए। ALDEPH टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। ALDEPH के सामान्य साइड इफेक्ट। कब्ज, पेशाब करने में कठिनाई, भार बढ़ना, उलझन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, खड़े होने पर रक्तचाप का अचानक कम होना, थकान, धुंधली दृष्टि, मुंह में सूखापन, बड़ी हृदय की दर, अनियंत्रित शरीर आंदोलनों, अवसाद, स्मृति हानि। ALDEPH टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़े नहीं। ALDEPH टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।